दोस्तों आज के इस वीडियो में फॉर द फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं एक एपिलेटर जिसका मॉडल नंबर है फिलिप्स BRE245। अगर आप भी फॉर द फर्स्ट टाइम एक एपिलेटर यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे कि एपिलेटर को किस तरह से यूज करना है, क्या एपिलेटर यूज करने पर हमें पेन होता है, क्या एपिलेटर को हम अंडर आर्म प्राइवेट पार्ट्स एरिया में यूज कर सकते हैं। जो भी डाउट होते हैं वो सारे डाउट में क्लियर आपको कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस एपिलेटर के साथ में हमें कौन कौन सी एक्सेसरीज मिल जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं डायरेक्टली अनबॉक्सिंग से। सो गाइस, कुछ इस तरह के बॉक्स में हमें देखने को मिल जाता है अपना फिलिप्स का ये एपिलेटर जिसका मॉडल नंबर है BRE245। इसकी बैकहेंड साइड में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी जो हम डेफिनेटली आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इस बॉक्स को ओपन किया जाए। इनसाइड द बॉक्स हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एपिलेटर का एक यूजर मैनुअल एंड दिस इज अवर फिलिप्स एपिलेटर BRE245। इसके बारे में आपको हम और जानकारी देंगे, उससे पहले देखते हैं व्हाट एल्स इनसाइड द बॉक्स। एपिलेटर के अलावा आपको यहाँ पे मिलता है 1 सेवर विथ 3 mm कॉम। तो अगर आप इस कॉम को निकालोगे तो डायरेक्टली इसके ब्लेड के हेल्प से आप चाहो तो अपनी बॉडी के हेयर को क्लीन शेव भी कर सकते हैं। अगर आप इस कॉम को यूज़ करोगे तो 3 mm के सेटिंग में आपका बॉडी के हेयर ट्रिम होगा और छोटे छोटे हिस्से में आप वेरी इजीली अपने हेयर को रख पाओगे। इसी के साथ साथ दोस्तों ये रहा हमारा एपिलेटर का पावर कॉर्ड और एट दी एंड हमें देखने को मिलता है 1 वारंटी कार्ड जहाँ पे मेंशन किया हुआ है अगर आप इस एपिलेटर को ऑनलाइन रजिस्टर करोगे तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट एपिलेटर पे हमें मिलते हैं 2 साल की वारंटी, रजिस्ट्रेशन करोगे तो टोटल 3 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बताते हैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब भी आप एपिलेटर को यूज़ करते हैं मेक श्योर अपने हाथों को अच्छी तरह से धो ले, पूरा फुल गर्म पानी से धोएंगे चाहे ठंडा पानी से जैसे भी धोना है आप धो सकते हैं, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छी तरह से पानी से धो लीजिए और उसके बाद अच्छी तरह से इसको सुखा लीजिए, भीगा नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छी तरह से उसको तावेल से पोंछ लीजिए और उसके बाद आप एपिलेटर को यूज़ कीजिए जिससे बाल जो है थोड़ा नरम हो जाएंगे और आपको थोड़ा कम पेन झेलना पड़ेगा। आप चलिए दोस्तों फाइनली वक्त हो चुका है अपने एपिलेटर से अपने हैंड के हेयर को रिमूव करने का। आज से पहले मैंने कभी भी एपिलेटर यूज़ नहीं किया तो मुझे सच में बहुत ही डर लग रहा है। आई डोंट नो कितना पेन होगा हेयर को रिमूव करते वक्त क्योंकि एक एक बाल ये खींच खींच के बाहर निकालेगा और ये पेन मैं ले रहा हूँ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए ताकि मैं आपको बता सकूँ एग्जैक्टली एपिलेटर यूज़ करने पे सच में पेन होता है या फिर नहीं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिएगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर आप इस एपिलेटर को ऑनलाइन खरीदना ही चाहते हैं ना तो प्लीज़ मेरे भाई हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर लेना जहाँ से ये एपिलेटर आपको मिलेगी बेस्ट प्राइस पे और हमारे लिंक से लेंगे तो थोड़ा सपोर्ट हमारे चैनल को भी हो जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आपके लिए थोड़ा सा दर्द हम सह ही लेते हैं। तो मैं अभी मीडियम सेटिंग पे ट्रिम करूंगा, ठीक है, जो कि है 1 नंबर पे, ठीक है। ठीक है। अरे यार बड़ा भयानक आवाज़ कर रहा है यार, कसम बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। और इसको ऐसा पकड़ना है और बिल्कुल सीधा सीधा आपको ऐसा मूव करना है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है। मां नहीं होगा, कैसे की ट्रिम यार, बहुत ज़्यादा। ओ माँ, कैसे की आप ट्रिम? आप नहीं कर पाओगे, मैंने बोली थी। मैंने बहुत बड़ा 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 इसलिए तो हम बोले हैं आपको कि आप मत बनाओ, हम बनाते नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा, उपाय नहीं है, लोगों के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, ये दर्द मुझे सहना पड़ेगा। कैसे यूज करते हैं यार लोग, माँ को टुरू लाभ। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है यूज़ करते वक्त और ये पेन मैं सच कह रहा हूँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी बस की बात नहीं है इतना पेन बर्दाश्त करना। मैंने बहुत ही मुश्किल से सिर्फ हाथ के ऊपर वाले एरिया में इतने में ट्रिम किया है और मेरा हालत सच में ख़राब हो गया। एक बार निकल जाने के बाद पेन निकल, लेकिन जिस टाइम निकलता है ना बहुत ही खतरनाक पेन करता है व्हाइल यूजिंग दिस एपिलेटर। अब चलिए एक काम करते हैं, हम एक ट्रिक में देखता हूँ शायद वो काम कर जाए। तो इस एपिलेटर को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं सबसे पहले,
और इसका जो शेवर है ना, इस शेवर को हम यहाँ पे दोबारा कनेक्ट कर लेंगे और इसका जो कॉम्ब है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल इससे क्लीन शेव वाली लुक मिल जाएगी, जब हम ट्रिम करेंगे ना ऑलमोस्ट क्लीन शेव वाली लुक मिल जाएगी, बिल्कुल हल्के हल्के बाल रह जाएंगे स्किन पे। तो उसके बाद हम एप्लेटर को यूज़ करेंगे और शायद उस समय थोड़ा कम पेन हो हमें। तो डायरेक्टली शेवर के हेल्प से मैं चलिए आपको ट्रिम करके दिखाता हूँ। और शेवर यूज़ करते वक्त इतना सा भी पेन नहीं होता, वेरी स्मूथली आप शेव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ऑन डैट, जरा सा भी पेन नहीं होता। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल शेवर से हमने बिल्कुल शेव कर लिया है और कोई भी देख के नहीं कहेगा कि आपके हाथ में जरा सा भी बाल है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 99% क्लीन शेव वाली लुक मिलती है। ये है हमने एप्लेटर यूज़ किया है और ये है देखो पहले मेरा हाथ कैसे था। इतने बड़े बड़े बाल को आप बिल्कुल इतने छोटे छोटे साइज में ट्रिम कर पाओगे, आई एम श्योर आपको कैमरा में भी एक भी बाल दिख नहीं रहा होगा। एकदम बिल्कुल करीब से आपके देखोगे तो आपको धीरे धीरे ब्लैक 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 डॉट्स दिखेंगे, डेट्स ऑल, उससे ज़्यादा बाल आपको नहीं दिखेगी स्किन पे। तो अगर आप शेवर यूज़ करना चाहते हैं तो एप्लेटर का शेवर यूज़ कीजिए, इट इज़ वेरी वेरी स्किन फ्रेंडली। आप चलिए हम दोबारा एप्लेटर को यूज़ करते हैं और देखते हैं जो छोटे छोटे बाल है राइट वो निकाल पाता है कि नहीं, और क्या इनको निकालते वक्त हमें पेन होगा, लेट्स फाइंड आउट। तो हम एप्लेटर को दोबारा यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और इतने छोटे छोटे बाल अगर आप एप्लेटर से ट्रिम करना चाहोगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये बाल इस एप्लेटर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिलहाल एप्लेटर के टेस्टिंग यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, अभी हम कुछ दिन वेट करेंगे, जब बाल जैसे ही थोड़े बड़े बड़े आएंगे तो हम दोबारा एप्लेटर को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, फिर बताएंगे इस एप्लेटर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और डायरेक्टली हम इसके शेवर से अपने अंडर आर्म के हेयर को रिमूव करते हैं और देखते हैं क्या इसका शेवर अंडर आर्म के हेयर को रिमूव कर पाता है या फिर नहीं। तो चलिए एप्लेटर को अगेन बाहर निकालते हैं हम यहाँ से और इस शेवर को चलिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अंडर आर्म के एरिया को काफ़ी इजीली हम क्लीन कर पाए हैं विद द हेल्प ऑफ एपिलेटर। बिल्कुल 100% क्लीन तो नहीं कह सकते बट अराउंड 99% वेरी इजीली आपके अंडर आर्म हेयर को रिमूव करके दे देता है। इसी के साथ साथ अगर आप इस एपिलेटर को अपने प्राइवेट पार्ट्स में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, वेरी इजीली आप यूज़ कर पाओगे। डायरेक्टली एपिलेटर वाला ये जो एपिलेटर है राइट इससे यूज़ नहीं करना, इसके साथ जो शेवर आता है राइट मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसी से मैंने रिमूव किया है एंड इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस फाइनली पूरा एक हफ्ता हो चुका है आफ्टर सेविंग माय हैंड और आप देख सकते हैं हल्के हल्के बाल यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, दोबारा एप्लेटर को यूज़ करते हैं और देखते हैं अब की बार पेन होता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे यहाँ पे एकदम बहुत ही धीरे धीरे आपको मूव कर रहा है, जोर जोर से आप देख सकते हैं मैं कितना धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ और ऐसा नहीं कि पेन बिल्कुल भी नहीं होता, पेन होता है बट स्लाइटली, मतलब आप उतना जितना पेन आपको लंबे लंबे बाल पे होता है उतना पेन नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैं वेरी इजीली यहाँ पे ट्रिम कर पा रहा हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लेटर के हेल्प से हमने पूरे अपने हाथों के हेयर को पूरी तरह से रिमूव कर लिया है, पर जड़ से बाल बाहर निकल चुके हैं
और अब ध्यान से देखेंगे तो हल्का हल्का यहाँ पे फुंसी फुंसी टाइप को देखेंगे, थोड़ा डॉट 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 टाइप के आपको देख सकते हैं। दिस इज बिकॉज बाल जड़ से निकले हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का सा दिखते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई साइड इफेक्ट है, दिस इज नॉट अ साइड इफेक्ट। आप एक बार पानी से इसको क्लीन करेंगे तो कुछ समय के बाद में ये डॉट 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 जो है वो गायब सा हो जाता है। अब चलिए एक बार मैं अपने हाथों को धो के आता हूँ, फिर आपको फाइनल रिजल्ट में शेयर करूँगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस हाथ के हेयर को एपिलेटर के हेल्प से एपिलेट कर लिया है और पूरा जड़ से बाल सारे के सारे निकल चुके हैं। बिफोर एपिलेटिंग मेरे हाथों के बाल कुछ इतने बड़े बड़े थे और आफ्टर एपिलेटिंग आप देख सकते हैं, दोनों ही हाथ को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आपको वेरी इजीली डिफरेंसेस नज़र आ जाएगी। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एपिलेटर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बट काफ़ी टाइम भी लगता है आपको एपिलेट करते वक्त। ऐसा नहीं कि आप 5-10 मिनट पूरे हाथों के बाल को रिमूव कर पाओगे, नहीं, एटलीस्ट आधे घंटे के आसपास आपको लग जाता है, मतलब 20 से 30 मिनट के आसपास आपको लग जाएंगे हाथों के बाल को रिमूव करने में। एंड इट ऑल्सो डिपेंड आपके हाथों में बाल कितना है, अगर हल्के फुल्के बाल है तो जल्दी रिमूव हो जाएंगे, अगर आप ज़्यादा बाल हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप एपिलेटर को रेगुलर यूज़ करते हैं तो काफ़ी कम समय में भी आप बालों को रिमूव कर सकते हैं। रही बात दोस्तों क्या हम इस एपिलेटर को अपने अंडर आर्म या फिर प्राइवेट पार्ट्स में यूज़ कर पाएंगे या फिर नहीं, दोस्तों अंडर आर्म और प्राइवेट पार्ट्स के एरिया में एपिलेटर में रेकमेंड तो नहीं कर सकता। बहुत लोग कहते हैं कि आप अंडर आर्म में यूज़ कर पाओगे, बट कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अगर आप अंडर आर्म और प्राइवेट पार्ट्स के हेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये शेवर, जो इस एपिलेटर के साथ में ही आता है, जिससे आपको ऑलमोस्ट क्लीन शेविंग मिल जाता है, 99% आपके बालों को पूरा रिमूव कर देता है। तो अंडर आर्म और प्राइवेट पार्ट्स के लिए आप इस ब्लेड को इस्तेमाल कीजिए, जो काफी क्विक फास्ट इसी है, बस 2 मिनट के अंदर अंदर आप आराम से अंडर आर्म और प्राइवेट पार्ट्स की हेयर को रिमूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ऑन डेट। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस एपिलेटर को ऑनलाइन खरीदना ही चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे भाई हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही बाय कर लेना, जहां से ये एपिलेटर आपको मिलेगी बेस्ट प्राइस पे। हमारे लिंक से लेंगे तो थोड़ा सपोर्ट हमारे चैनल को भी हो जाएगी। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।